ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के लिए व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, तो पहले अपन क्या करेंगे, विल राइट दैट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ठीक है ना, तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में व्हाट विल डू, पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन होते कौन से कौन से, जिनमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो अपन क्या करेंगे, कुछ रिएक्शन लिखता हूं और पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपन चेक करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग आर रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, अपन इसमें चेक करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मतलब ऐसे रिएक्शन देता हूं, फिर अपन चेक करेंगे उन रिएक्शन में कि कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कौन सा नहीं। तो अपन क्या करेंगे, जैसे सपोज लिखते हैं अपन, मैंने आपको लिखा H2 plus Cl2 gives you HCl twice HCl, तो जरूरी नहीं कि अपन बैलेंस करें, आई विल जस्ट राइट लाइक दिस, बैलेंस हम कर सकते हैं रिएक्शन को। We are given that N2 plus 3H2 gives you twice of NH2. फिर वो बैलेंस कर दिया, वो हैबिट है बैलेंस रिएक्शन लिखने का, कोई बात नहीं। फिर मैं लिखूंगा दैट इज BaO2 plus H2O plus O3 will get converted to BaCl2 plus we'll write that it is BaCl2 plus O2 plus we can say that इसमें O2 ऐसे ही है, तो आई गेट दैट बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस O2, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस O2। फिर मैं लिखता हूँ दैट इज सपोज करते हैं अपन कि मेरे पास FeCl2 है, इसको H2O2 के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रेजेंस ऑफ राइट ना O3 दैट इज वाटर ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है, तो वी कैन राइट लाइक दिस इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, तो वी विल गेट दैट FeCl3 प्लस H2O प्लस O2। देन आई कैन राइट दैट अनदर रिएक्शन दैट इज आई एम हैविंग दैट NaCl प्लस AgNO3 एंड गेट दैट AgCl प्लस NaNO3। उसके बाद आई विल राइट दैट ठीक है NaOH plus HCl will give you NaCl plus H2, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर अपन लिख लेते हैं एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस कर लेते हैं इनमें से कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स होगा अपन को ये बताना है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ भाई, मुझे ऐसे गिवन है और प्लस HBr, तो आई राइट दैट इसमें अपने पास रिएक्शन होगा Br2 प्लस Cr2 SO4, थोड़ा सा इसमें HCl ले लेते हैं वरना, तो CrCl3 ले लेता हूँ, KCl ले लेता हूँ और CbR3 और ये KBr ले लेता हूँ प्लस वाटर ले लेता हूँ, ये मेरे पास रिएक्शन। अब अपन से कहा गया कि इनमें से कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे और बाद में आप फिर अपने आप कैलकुलेट करना, उनको काफी जगह ये क्वेश्चंस मिल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अपन क्या करेंगे, देखो ये एलिमेंटल स्टेट जीरो ऑक्सीडेशन, ये भी एलिमेंटल स्टेट है जीरो ऑक्सीडेशन, लेकिन HCl में क्या है, हाइड्रोजन प्लस वन होगा और Cl माइनस वन होगा। हम सबको पता है HCl में H प्लस साइन देगा और Cl माइनस साइन देगा। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई H2 ना जीरो से H प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ही अपन मतलब इसमें बता पाएंगे भाई दो हाइड्रोजन है, तो जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें ये पता है कि जीरो से प्लस वन आया इसका मतलब मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, अगर जीरो से प्लस वन आएगा तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। बिल्कुल वैसे ही
अगर आप Cl2 को -1 लिखोगे, ऑब्वियसली बात है मैं कहूंगा कि इधर जीरो था तो नेगेटिव चार्ज कहां से आ गया? तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज तो तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, तो इधर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है, तो अपन क्या बता देंगे? वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन अगर दोनों ही हो रहा है किसी रिएक्शन में तो अपन उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये अपन ने पढ़ा होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये तो आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। दूसरा चेक करते हैं अपन, ये जीरो में है बिकॉज ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है जीरो में। हाइड्रोजन इधर NH3 अगर अपन लिखेंगे तो अपन को पता है ट्रस्टेबल सीरीज के हिसाब से हाइड्रोजन पे +1 होना चाहिए, नाइट्रोजन पे -3 होगा ऑक्सीडेशन। ये +1 एक एटम पे होगा तो तीन एटम पे +3 होगा, तो नाइट्रोजन पे टोटल कितना होगा? नेगेटिव चार्ज -3 होगा। इधर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इधर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया। इधर लॉस्ट है, इधर गेन है। अगर इधर गेन है और उधर लॉस्ट है, इट्स अ रिडॉक्स प्रोसेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। समझ में आया ना? फिर कैसे बताएंगे रिडॉक्स प्रोसेस? अब इसमें चेक करते हैं, बेरियम आयन इज +2 और इसमें ऑक्सीजन इज -1। -1 क्यों? ऑक्सीजन तो -2 होता है, तो अपन कहेंगे भाई इन दोनों में ज्यादा ट्रस्टेबल कौन? बेरियम, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा। चेंज किसका होगा? जो कम ट्रस्टेबल है। इधर मेरे पास +2 है तो इसका +2 होगा, तो दो ऑक्सीजन का -2 होगा। अगर टोटल +2 है तो ये टोटल -2 होगा। अगर ये दो ऑक्सीजन का -2 होगा तो इधर तो दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो दो ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा? टोटल दो ऑक्सीजन के लिए -2, तो एक एटम पे क्या होगा? -2, दैट इज अ बेरियम परऑक्साइड। ऑक्सीजन का अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी मॉलिक्यूल में तो अपन क्या बोलते हैं? इट्स अ परऑक्साइड। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें ये +2 ये -1, चलो देखते हैं। बेरियम में तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड एक -1 होता है, OH -1 होता है, तो ये -2 हो गया। एक पे -1 है, दो पे -2 हो जाएगा, तो ये भी +2 होगा, कोई चेंज नहीं आया। ऑक्सीजन में चेक कर लेते, इधर -1 से 0। अगर O2 -1 से 0 होगा, O2 -1 से 0, तो -1 से 0 मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर में चेक कर लेते हैं, वाटर में अपन कहेंगे ये OH ना, वहां से ऑक्सीजन निकाला अपन ने, विघटन। अभी वाटर में विल से दैट, जैसे मेरे पास ऐसे किया मैंने राइट ना, भाई H2O था, इसमें ऑक्सीजन -2 था, तो अपन इसको लिख लेते हैं। ये -2 से यहाँ पर O2 में कन्वर्ट हो रहा था ना, ये -2 से O2 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ क्या आया अपने पास? तो अपन कहेंगे भाई यहाँ भी क्या है अपने पास, ये -2 से 0, तो अगर -2 से 0 होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ऑक्सीजन से। बेरियम में कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन में चेंज आया। ऑक्सीजन में क्या हुआ? इधर से अगर इधर कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि इधर तो हाइड्रोक्सीड में तो -2 होता है ऑक्सीजन, तो इधर तो ऑक्सीजन में -2 का कोई चेंज नहीं है। इधर -1 से 0 था, तो अपन ने कहा -1 से 0 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन ने कहा बेरियम में कोई चेंज नहीं आया, इसमें अपन ने देखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। मैं यहां पर चेक कर लेता हूँ, ये तो यहाँ भी +1 होगा, OH माइनस आइन में भी +1 होगा। भाई OH माइनस आइन क्या होता है? ये होता है, ये -1 होगा। तो अगर हाइड्रोजन के लिए अपन चेक करेंगे तो हाइड्रोजन +1 ही तो होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2, तो आपने रिमाइंडर लिखा ना, OH पे -1 लिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन कितना होगा? ये X+1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि OH पे टोटल चार्ज आप क्या लिख रहे हो? -1, और मुझे ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करना था, ऑक्सीजन इज -2। तो इधर -2 है,
इधर ऑप्शन में भी माइनस टू है, चेंज कहाँ है? तो अपन क्या करेंगे, देखो भाई इस ऑप्शन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑप्शन से भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों में ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो गेन कहाँ हुआ? देयर इज नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे ठीक, आप इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल दो, आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों नहीं बोल सकते, दोनों होंगे तो रिडक्स प्रोसेस बोलूंगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे नहीं भाई दिस इज नॉट अ रिडक्स प्रोसेस, ये रिडक्स प्रोसेस था, ये रिडक्स प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज चेक किया, मुझे सिर्फ ऑक्सीजन में चेंज आया, इधर माइनस टू और उधर भी माइनस टू, उधर इधर माइनस टू था ऑक्सीजन, इधर माइनस टू मतलब यहां पर कोई चेंज नहीं है, यहां से माइनस वन से जीरो आया ठीक है, जब मैंने यहां पर माइनस टू से यहां भी जीरो लिया तो वो भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अगर अपन कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल दूं तो बोल दो ठीक। अब इसमें चेक करते हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, व्हाई इट इज सो, ये हमारे ट्रस्टेबल सीरीज में था, एक क्लोरीन माइनस वन है तो दो क्लोरीन माइनस टू होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस टू होगा, ये माइनस वन है। अब यहां पर तो बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है भाई, यहां पर आयरन प्लस थ्री हो गया, मतलब आयरन में आपने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है प्लस टू से प्लस थ्री, और अपन को साफ साफ दिख रहा है यहां पर कि ये जीरो, तो माइनस वन से ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां तो ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अपन कहेंगे फिर ये रेडॉक्स रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें थर्ड थर्ड मॉलिक्यूल भी है, थर्ड में ये जीरो है और इधर माइनस वन आ रहा है, तो अगर Cl2 को जीरो से माइनस वन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl2 है मेरे पास और ये माइनस वन में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन कहेंगे क्या हुआ, गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये तो जीरो था ना, और जीरो से अगर माइनस वन में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो अपन क्या कहेंगे, इधर से ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये वाला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपन कहेंगे देखो इसका और इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और इसका रिडक्शन मतलब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसकी बात करते हैं, ये प्लस वन है, ये भी प्लस वन है क्योंकि नाइट्रेट माइनस वन होता है, सीएल माइनस वन होता है तो सिल्वर प्लस वन होगा क्योंकि ये तो मेटल क्लोराइड है, ये माइनस वन होगा, ये प्लस वन है, ये माइनस वन है, इसमें तो सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहे, सभी के क्या सेम है, सभी के किसी का भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसमें तो रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, तो ये है क्या, आपने इसके कैटायन से इसका एनायन दे दिया और इसके कैटायन को इसका एनायन दे दिया, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, क्या किया अपन ने, सिल्वर ने इससे सोडियम को भगा दिया और सोडियम ने यहां से सिल्वर को भगा दिया, इक्वेशन से लिखा, तो एक दूसरे ने सिर्फ डिस्प्लेस किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब है दिस इज नॉट अ रेडॉक्स। जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आएगा हम उसे क्या बोलेंगे, जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आएगा हम उसे रिडक्स रिएक्शन नहीं बोल सकते, ये तो रिडक्शन भी नहीं है और ऑक्सीडेशन भी नहीं है, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप उसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसके अपन उसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, जैसे मैंने कैटायन के रिस्पेक्ट में बोला ना, तो एनायन भी बोल सकते हैं, सो आप उसे डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नेवर बी अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो अपन इसको लिख लेते हैं भाई, कैटायन भी डिस्प्लेस हुए, एनायन भी डिस्प्लेस हुए, सो डबल डिस्प्लेसमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ठीक है ना, तो ये तो रेडॉक्स नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ अपने पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, सो विल से दैट इधर सिर्फ सो दैट इज ऑक्सीडेंट, सो ऑक्सीडेशन हो रहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा था,
ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं, इसमें सोडियम प्लस वन है तो अपन कहेंगे इधर सोडियम प्लस वन है और OH माइनस वन है, ये प्लस वन है ये माइनस वन है, ये प्लस वन है ये माइनस वन है, इधर हाइड्रोजन प्लस वन है ये माइनस टू है, तो OH तो माइनस वन अभी भी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, इधर ऑक्सीजन माइनस टू है, ऑक्सीजन भी वहां माइनस टू है, राइट ना। तो अगर अपन चेक करेंगे तो यहां फिर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा भाई, तो फिर ये है क्या, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो अपन कहेंगे ये तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर नेवर ऑक्सीडेशन स्टेट, सो राइट दैट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना, तो ये तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अब अगर अपन चेक करेंगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट में अपन को गिवन है सेंट्रल एटम इज प्लस सिक्स, अगर कोई कंपाउंड गिवन है तो अपन सेंट्रल एटम से चेक करेंगे, सेंट्रल एटम इज प्लस सिक्स, इसमें सेंट्रल एटम अपन कहेंगे बी आर हो जाएगा दैट इज माइनस वन, व्हाई इट इज सो, हाइड्रोजन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा, ये माइनस वन से जीरो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम इधर हो गया प्लस थ्री, ये सी आर प्लस थ्री लिख रहा है, पोटेशियम में कोई चेंज नहीं आएगा, उधर बी आर माइनस वन है इधर भी माइनस वन है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, पोटेशियम यहां से यहां अगर अपन चेक करेंगे तो प्लस सिक्स से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया प्लस थ्री, मतलब इसने तीन इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज होगा, अगर ये प्लस सिक्स से प्लस थ्री हो गया तो कितने नेगेटिव चार्ज आपने उसमें ऐड किए, थ्री नेगेटिव चार्ज, तभी तो प्लस सिक्स प्लस थ्री में कन्वर्ट हो गया, गॉट इट ना, तो अपन क्या बोलेंगे इट इज, यहां पर क्या हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और वहां पर क्या हुआ था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ तो अगर लॉस और गेन दोनों ही हो रहा है देन इट विल बी अ रेडॉक्स प्रोसेस, तो ये रेडॉक्स प्रोसेस, मेरे ख्याल से हम सबको समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट द रेडॉक्स प्रोसेस, अगर कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है तो आप उसमें सेंट्रल एटम से चेक कर सकते हैं रेडॉक्स प्रोसेस, तो ऐसे अपन बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेडॉक्स प्रोसेस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेडॉक्स प्रोसेस। अब अपन बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन वैसे तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स बट मेनली हमको दो मेथड्स पढ़ने होते हैं, एक तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो पहले तो अपन को ये पता चल गया कि कौन से रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, किसी को डाउट है तो बताएगा भाई, ठीक है, अब अपन जितने रिएक्शन लिखेंगे या जो भी अपन बैलेंस करेंगे दे विल बी द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम में मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं और उस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जैसे आपको बैलेंस करके बताना है, राइट, तो मैं क्या करता हूं या फिर एक दो क्वेश्चंस अपन वैसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, थोड़ा सा ज्यादा लेंथी मेथड नहीं जाते हैं, और फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि आपको स्कूल में डिटेल में ही लिखना होगा सारा, तो एक स्कूल के हिसाब से भी पढ़ लेंगे कि आपको कितना लिखना पड़ेगा। अभी एसिडिक मीडियम का मतलब हो गया, अब इसमें अपन को ना जो मेन पार्ट होता है वो होता है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो एसिडिक मीडियम का मतलब हो गया तो बैलेंस इसमें इस पार्ट को ध्यान रखो हमेशा, बैलेंस, ठीक है,
ऑक्सीजन एटम बाय एच टू एंड एच एटम बाय एच प्लस आई बाय एच प्लस आई. बाकी तो सारे एटम अपन को बैलेंस करने ही होंगे, मेनली अपन को ये ध्यान रखना होता है. तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे निकलेंगे, हम कहेंगे मेरे पास, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, एक दो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको डिटेल एग्जांपल बताऊंगा. मेरे पास गिवन है HNO3 और मैंने इसको रिएक्ट किया H2S, HNO3 को रिएक्ट किया H2S, ये कन्वर्ट होता है NO पॉजिटिव में, NO में और सल्फर में, इसमें कन्वर्ट होता है. ये रिएक्शन मुझे गिवन था. अब मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है. अगर मीडियम वगैरह कुछ मेंशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन एसिडिक मीडियम से बैलेंस कर लेंगे. तो अपन क्या करेंगे, सेंट्रल एटम चेक करेंगे पहले, जो रिएक्टेंट गिवन है उनमें से कौन सा सेंट्रल एटम. तो अपन कहेंगे इसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसका सेंट्रल एटम सल्फर है, इसका नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसमें तो सल्फर ही है. अब हमें पता है कि दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाई इट इज सो. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर प्लस 5 है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 2 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल फॉर्म है तो 0 है, सब मैच हो जा रहा है. इधर प्लस 5 से इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर माइनस 2 से 0 तो लॉस किया इलेक्ट्रॉन. अब यहां पर अपन को लग रहा है कि भाई देखो यहां पर मुझे गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस, वो दिख रहा है. यहां पर क्या दिख रहा है अपन को, 2 इलेक्ट्रॉन आर गेन. तो अपन कहेंगे भाई अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन है, और इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन. तो अपन कहेंगे भाई लॉस्ट तो 3 हुए थे, गेन तो 2 ही हुए, एक कहां गया. तो अपन कहेंगे भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन गेन भी होने चाहिए. Because balancing of redox reaction will based on one principle. Total number of electron lost in the process must be equal to total number of electron gained in the process. जितना electron lost होगा उतना gain भी होगा. So balancing. इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता वो acidic medium है, basic medium है, कौन सा method है. Balancing based on principle. On the principle. That number of electron lost is equal to number of electron gain. मतलब जितना electron lost होगा उतना electron gain भी होना चाहिए, right? तो ठीक है भाई, हाँ तो अगर electron balance होता तो ये balance reaction हो जाता ना, balancing करेंगे इसलिए कि electron balance हो जाए, because that is the principle जिस पर वो based होगा. तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, अपन उसे क्या करेंगे, विल राइट लाइक दिस. अपन क्या करेंगे, इसको बैलेंस करते हैं, इस रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट HNO3 होगा जिसमें NO के साथ ये हाफ रिएक्शन हो गया मेरे लिए, और दूसरा हाफ रिएक्शन हो जाएगा मेरे लिए H2S सल्फर के साथ. पहले अपन क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके दिखाओ कैसे करना है, कर देंगे. अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इन दोनों को बैलेंस करना है. सबसे पहले आप सेंट्रल एटम, मतलब एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करो. तो मैं एक छोटा सा मेथड लिख लेता हूं ताकि अपन को हमेशा याद रहेगा, और यही मेथड आपको स्कूल में लिखना होता है, लेकिन स्कूल में लिखने का डिफरेंट वे होता है, वो मैं बताऊंगा आपको. फर्स्ट बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब सबसे पहले आप बैलेंस करोगे उन एटम को जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है. तो अपन कहेंगे इसमें तो नाइट्रोजन है वो बैलेंस है, एक नाइट्रोजन उस तरफ है, एक नाइट्रोजन इस तरफ है,
देन बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3 और इधर ऑक्सीजन कितना है 1, कितने ऑक्सीजन कम है 2, लो बैलेंस हो गया। बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस हो गया भाई। मीडियम कोई भी हो, पानी तो मैं कितना भी डाल सकता हूँ रिएक्शन में, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, डाइल्यूशन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपने लिखा एसिडिक मीडियम, तभी तो लिखा वाटर और एच प्लस आई। अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना, सुटेबल नंबर ऐड करेंगे अपन भाई। इधर कितने ऑक्सीजन थे 3, इधर कितना था 1, तो फिर कितने बैलेंस कर रहे थे 2, मैंने 2H2 डाल दिया, नो बैलेंस एच एटम बाय एच प्लस आई। अब आप एच एटम को बैलेंस करो बाय एच प्लस आई, तो कहेंगे ठीक है भाई, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 1, उधर हाइड्रोजन कितने हैं 4, उधर 4 हाइड्रोजन एटम है, इधर एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो अपन कहेंगे आप ऐड करो, कितना हाइड्रोजन और ऐड करना पड़ेगा 3 ऐड करना पड़ेगा, समझ में आया? तो अपन को 3 ऐड करना, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो आप क्या करें, अब तो सारे एटम बैलेंस हैं, उसमें बैलेंस द चार्ज, द चार्ज क्या करेंगे अपन, चार्ज बैलेंस करेंगे। ठीक है भाई, चार्ज बैलेंस करना है तो मैं आपको ऐसे करूंगा, और राइट हैंड साइड पे ये दोनों ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहां कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज। यहां पर चेक करूंगा तो ये तो न्यूट्रल है, लेकिन इसकी वजह से +3 चार्ज तो है। सो बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन सुटेबल साइड, ठीक है, ऑन द सुटेबल साइड। तो सुटेबल साइड क्या मतलब, ये होता है कि भाई इधर जीरो है तो इधर भी जीरो बना, तो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उधर इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करोगे, उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, ये थोड़ी न्यूट्रलाइज होगा, इसको न्यूट्रलाइज करना है तो इसी तरफ ऐड करना होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज जीरो हो जाए, क्योंकि इसको जीरो बना दूंगा तो फिर दोनों तरफ जीरो जीरो हो जाएगा। मेरे पास चार्ज बैलेंस करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो कहां ऐड करें, जहां पॉजिटिव चार्ज है वहीं इलेक्ट्रॉन डालो, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस 3 पॉजिटिव चार्ज को, 3 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करेंगे तो अपन ने क्या किया, यहां +3 था, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये मिलके क्या हो गया जीरो, दोनों तरफ जीरो चार्ज होगा, ठीक, ये बैलेंस हो गया। अब दूसरे पार्ट को बैलेंस करेंगे, H2S का एक सेंट्रल एटम सल्फर है, इधर भी सेंट्रल एटम क्या है, ये तो सल्फर ही है एलिमेंटल को। अपन कहेंगे भाई ये सल्फर जो है ना, मतलब यहां पहले सल्फर बैलेंस है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसमें, मतलब ये वाला पॉइंट की बात ही करनी कर रही है अपन को, सेकंड पॉइंट की, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, लो कर दिया, अब चार्ज को बैलेंस कर दो, तो ये तो पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जीरो चार्ज है, ये भी जीरो है, ये +2 है, तो फिर अगर इस तरफ पूरा जीरो है तो उधर भी पूरा जीरो बनाना पड़ेगा, तो इसी तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें जितना पॉजिटिव चार्ज, सो दैट की वो न्यूट्रलाइज, ठीक ठीक है भाई। फिर क्या करें, तो मैं क्या भाई, आप चार्ज भी बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, अब क्या करें, तो ये ना अगर आप ऑब्जर्व करोगे
तो दोनों रिएक्शन में अगर एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में ऐड होंगे। भाई किसी एक रिएक्शन में अगर राइट हैंड साइड में ऐड हुए तो दूसरे में लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड 100% होगा, क्योंकि आप इसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलने वाले हैं। रेडॉक्स मतलब एक में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। गॉट इट डन? सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑब्वियसली बात है, एक में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अपन क्या करें? तो मैं लिख भी सकता हूं अगर जरूरत पड़ेगा तो, दिस इज रिडक्शन हाफ। आपका ये वाला रिएक्शन रिडक्शन हाफ है, कैसे पता चला? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा ना उसमें। और दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, तो रिएक्शन को अपन हाफ रिएक्शन में डिवाइड करेंगे, उसके बाद बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करना है अपन को पता है, पहले पहले बैलेंस करना होता है एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उसके बाद बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद चार्ज। अब अपन कहेंगे ठीक है, मान लिया इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं 3 और इसमें हो रहे हैं कितने, इलेक्ट्रॉन गेन लॉस कितने हो रहा है 2। ये रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन आप लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कैसे लिख रहे हैं। तो अपन कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन लॉस तो 3 हुए थे, गेन कितना हुआ 3। तो फिर आपने तो कहा कि बैलेंसिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, तो कर दो। कैसे? जितना इसका इलेक्ट्रॉन है उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और जितना उसका इलेक्ट्रॉन है उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इक्वल हो गए। लो भाई इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आपको बैलेंस रिएक्शन मिल गया, ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसिल, व्हाट इज सो, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, आप 6 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में लिखोगे, तो कैंसिल हो ही जाने। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, H प्लस आइन गेट कैंसिल, वो भी खत्म हो गया। तो बचा क्या फिर हमारे पास, बाकी कैंसिल नहीं हो रहा, आपको लिखना पड़ेगा, तो अपन लिखते हैं भाई H2O3 कितना होगा 2 times, H2S कितना होगा 3 times। पहले मैंने LHS साइड वाले लिखे, उसके बाद NO2 कितना, NO कितना होगा 2 times, सल्फर कितना होगा 3 times, कुछ और बचा हुआ है वाटर बचा हुआ, कितना वाटर बचा हुआ है 4 ये बैलेंस रिएक्शन है, दैट इज ऑल कैन हेल्प फॉर द बैलेंस। तो अपन कहेंगे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाया, हाँ वो समझाया इसलिए टाइम लगाया, अदरवाइज तो बैलेंस करना बड़ा इजी। लास्ट में अपन क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेंगे तो अपन को क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन करना है ना, मल्टीप्लाई द टू रिएक्शन, टू हाफ रिएक्शंस बाय सूटेबल नंबर, सूटेबल नंबर, सो दैट the number of electron lost becomes equal to number of electron gain, become equal to number of electrons gain। तो अपन एक suitable number से multiply कर लेंगे ऐसे, ताकि अपन ये बता पाए कि कितने electron lost हुए और कितने electron gain हुए, अपन ऐसे बता सकते। अब अपन एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और मैं आपको वो दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो
आप मुझे करके दिखाना क्वेश्चन। मैंने ये ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन पर ऐसे लिखा मुझे गिवन है C2O42 नेगेटिव और Cr2O72 नेगेटिव, इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता हूं और रिएक्शन कन्वर्ट होता है +3 और CO2। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं गिवन, अच्छा होता और भी गिवन होता अपन को, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इसमें तो पहले से एनाइंस ले लिया आपने, हाँ तो एक न्यूट्रल वाला ले लेते हैं, एक एनाइन वाला ले लेते हैं, बाद में अपन चेक कर लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, तो ठीक है ये तो मीडियम है, पर रिएक्शन में दो ही रिएक्टेंट होने चाहिए, अगर थर्ड है तो वो हमेशा मीडियम होगा। रिएक्शन में दो ही रिएक्टेंट होते हैं, अगर थर्ड है तो मीडियम होगा। मैं एक बार कार्बोक्सिलेट आयन को, ये होता है कार्बोक्सिलेट आयन, जो हमेशा CO2 में कन्वर्ट होता है अगर रेडॉक्स रिएक्शन है, तो वो हमेशा CO2 में कन्वर्ट होता है। और ये डाइक्रोमेट आयन है जो क्रोमियम में कन्वर्ट होता है, कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। अपन क्या करते हैं, पहले कार्बोक्सिलेट आयन को बैलेंस करते हैं, दो हाफ रिएक्शन है, ये -2 है और ये CO2 है। कार्बन एटम भाई आपको ये करना था ना, फर्स्ट बैलेंस द अदर एटम देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कर दिया, इसलिए यहां दो कार्बन थे मैंने 2 लिख दिया कार्बन। ये फर्स्ट पॉइंट का यही तो मतलब है, फर्स्ट बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो अपन ने कहा अच्छा कार्बोक्सिलेट हमेशा CO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो मेथड फॉलो करना है, तो मैंने पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये ट्वाइस हो गया। क्यों, क्योंकि इधर दो कार्बन है तो इधर भी दो कार्बन होने चाहिए। मैंने अदर एटम देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर लिए, अब क्या ऑक्सीजन या तो बैलेंस, या 4 है या 2 2 या 4 हो गया तो बैलेंस है, तो फिर चार्ज बैलेंस करो। इस पूरे मॉलिक्यूल पे -2 चार्ज है और इस मॉलिक्यूल में 0, तो दोनों तरफ 0 बना, तो अपन कहेंगे यहां पर +2 चार्ज है, चलो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो ये तो -2 और हो गया, ये तो और बढ़ गया। अच्छा तो क्या करें, उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, क्योंकि भाई मैं इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज तो कर नहीं सकता, क्योंकि आपने यहां पर लिखा हुआ है कि आप चार्ज की बैलेंसिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉन से कर सकते हो, मतलब चार्ज की बैलेंसिंग मैं सिर्फ नेगेटिव चार्ज से कर सकता हूं, तो फिर ठीक है। अगर किसी एक तरफ नेगेटिव चार्ज है तो मैं दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दूंगा, अब तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ये ठीक रहेगा, गॉट इट डन। तो अपन को उस तरफ, क्योंकि ये पूरा ये जो -2 चार्ज है अपन को पहले से गिवन था, और ये पहले से गिवन जो चार्ज है वो पूरे मॉलिक्यूल पे है, तो अपन को -2 चार्ज पता था, अपन बैलेंस कर लिया, ये लो भाई हो गया बैलेंस, किसी को डाउट नहीं, राइट ना, कैसे ऐड किया अपन ने, क्योंकि इसमें -2 था, ये 0 था, अब मैं नहीं चाहता कि वो -2 उधर इधर कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसकी बात Cr2O72 नेगेटिव, इसको कन्वर्ट करते हैं अपन Cr+3, अपन सबको पता है क्या करना है, पहले क्रोमियम बैलेंस करो, ये लो भाई बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन के लिए मैं क्या करूंगा, यहां 7 ऑक्सीजन है तो ठीक है 7H2 ऐड करो, क्योंकि ऑक्सीजन तो आप सिर्फ वाटर से बैलेंस कर सकते हो। अब प्रोटॉन की बात करते हैं, H+ की बात करते हैं, H+ में इधर कितने हाइड्रोजन है, 14, और इधर कुछ भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज है उधर पहले से, तो यहां पर 7 प्रोटॉन है और यहां पर एक भी नहीं है, तो प्रोटॉन कैसे बैलेंस करना है, H+ से कर देते, ये लो भाई कर,
अब चार्ज बैलेंस करो, चलो चार्ज को देखते हैं कितना है। यहां पर मैं चेक करूंगा तो प्लस 40, यहां पर चेक करूंगा तो प्लस 40, यहां चेक करूंगा तो इस मॉलिक्यूल पे -2। तो इन दोनों को अगर मैं सम अप करता हूं तो मुझे +12 चाहिए, मतलब +12 चार्ज है मेरे पास। इधर उस तरफ देखते हैं, इसकी वजह से तो जीरो है, लेकिन इसकी वजह से कितना चार्ज है अपने पास? एक क्रोमियम पे +3 चार्ज है तो दो क्रोमियम पे +6 चार्ज हो गया, +6। अब क्या करें? तो अपन ने कहा था कि भाई आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो ताकि चार्ज दोनों तरफ इक्वल हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करेंगे? इधर भी प्लस चार्ज है, इधर भी प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड करो? तो अपन कहेंगे एक काम करो, जहां ज्यादा प्लस चार्ज है वहां इलेक्ट्रॉन ऐड करके दूसरे तरफ के बराबर बना लो। भाई यहां +6 है या +12, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डाल के इसको +6 बना लो, दोनों तरफ इक्वल हो गया, खत्म बात। अब ऐसे तो नहीं करूंगा ना, इसको भी जीरो बनाते हैं, इसको भी जीरो बनाते हैं, इधर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, हाँ तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा फिर तो। भाई इधर 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो, इधर 6 इलेक्ट्रॉन बचे तो 6 ही तो ऐड करने पड़ेगा। मैं अभी तो यही कर रहा हूं कि भाई दोनों में से जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है आपको इक्वली बना देना दोनों तरफ। तो इधर 12 था, इधर 6 था, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो तो दोनों तरफ +6 +6 चार्ज हो जाएगा। मैंने दुए थोड़ी का सारा चार्ज न्यूट्रलाइज करो, मैंने तो ये कहा बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन सूटेबल साइड। बैलेंस द चार्ज मतलब दोनों तरफ इक्वल चार्ज बना लो। तो यहां पर क्या करें अपन, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर, हो गया चार्ज बैलेंस। अब क्या करें, इधर इलेक्ट्रॉन लॉस तो 2 हुआ था लेकिन गेन कितना हुआ, 6। तो फिर अपन इसको ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ तो नहीं कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपने कहा था कि आप रिएक्शन को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो सो दैट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन इक्वल हो जाए। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, तो अपन कहेंगे इस रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिनिमम सिंपल रेशियो आ जाएगा ना अपने पास। ये अपन कहते हैं कि अच्छा इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसी को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो दोनों तो में 6 6 हो जाएगा। और क्या आपको यही तो लिखा आपने, मल्टीप्लाई बाय द 2/2 रिएक्शन बाय द सूटेबल नंबर सो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द प्रोसेस। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों ही नंबर अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो आप उनको डिवाइड करके सिंपल रेशियो ले लेना, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, ठीक है, आप क्या करो, ये आपका रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा जो बचा हुआ है ना, ऐड करके बैलेंस रिएक्शन, बस ऐड ही करना होता है। लिख देता हूं पहले क्रोमियम, लिख ले ऑक्सीलेट के का वही लिख देता हूं, 3C2O4 Br2O7 14H+ gives you क्रोमियम twice of Cr+ plus 4CO2 plus 7H2O लो आपका रिएक्शन बैलेंस। This is your balance. तो आइंस की समझ में आ गया कैसे बैलेंस करना होता है, किसी को डाउट नहीं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको एक छोटा पहले कंसेप्ट बता दिया छोटे से मॉलिक्यूल से, मैंने आइंस वाला बताया आपको, अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो ठीक है,
मैं इसमें एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको बैलेंस करने के लिए दूंगा और आप बैलेंस करके दिखाएंगे, तब मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो पर एक दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पास गिवन है k1, मैं इसको NH3 से रिएक्ट करवाऊंगा, ये कन्वर्ट होता है KNO3 में, ये कन्वर्ट होता है MnO2 में, और ये कन्वर्ट होगा दैट इज KOH में, और ये कन्वर्ट होगा H2। ये मेरे पास कोफिशिएंट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, मैंने इसमें सारे ही प्रोडक्ट देख लिए, जिसे लास्ट टाइम मैं वाटर नहीं लेता था लेकिन इस बार वाटर भी लेता, और पूछा कि बताओ इनके मतलब इधर x y z a b c ऐसे लिख दिया, और पूछा वो x y z a b c के लिए बताओ, तो तुम बैलेंस करके बताइए क्या नंबर आ रहा है। राइट, तो अपन क्या करेंगे, केवल फोर को अगर ऐसे लिखना है तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन चेक करेंगे इसका सेंट्रल एटम, ये वाला, इसका सेंट्रल एटम ये वाला, तो इन दोनों को ले लो भाई, एक हाफ रिएक्शन मेरा इसका इसके साथ हो गया और एक हाफ रिएक्शन इसका इसके साथ, दो हाफ रिएक्शन हो गए। तो चलो देखते हैं हाफ, दो हाफ रिएक्शन कैसे, तो अपन लिखेंगे KMnO4 है, ठीक है, मैं इसको MnO2 लिख लेता हूं, Mn balanced, पोटेशियम बैलेंस नहीं, तो क्या करें, तो मेरे पास ना दो मॉलिक्यूल हैं जिनमें पोटेशियम, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं उस पोटेशियम मॉलिक्यूल को चूज करूंगा, उस मॉलिक्यूल को चूज करूंगा जिसमें मुझे एटम्स का मिनिमम बैलेंसिंग करना पड़े, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिनिमम बैलेंसिंग करना पड़े। अगर मैं इसको चूज करता हूं तो मुझे नाइट्रोजन भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको चूज नहीं करूंगा। अगर मैं KOH को चूज करता हूं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो अपने आप वाटर और H+ आयन से बैलेंस हो जाएंगे, इधर मुझे नाइट्रोजन बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, तो पर कहेंगे ठीक है भाई, तो अपन वो मॉलिक्यूल को चूज करेंगे जिसमें बैलेंसिंग हमको अदर देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कम से कम करना पड़ेगा। ठीक, अभी एमएन बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ये यहां पर फोर ऑक्सीजन है और यहां पर टोटल ऑक्सीजन थ्री है, मुझे फोर ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा, बना दिया फोर ऑक्सीजन हो गए, नाउ व्हाट, तो अपन कहेंगे आफ्टर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन बाय H2O बैलेंस हाइड्रोजन एटम, यहां एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है लेकिन यहां पर थ्री हाइड्रोजन एटम्स है, तो लो भाई हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए, चलो चार्ज बैलेंस करो, ये सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहां पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, जीरो, इस तरफ देखते हैं ये न्यूट्रल है लेकिन यहां तो प्लस थ्री है ना, तो प्लस थ्री को कैसे बैलेंस करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इधर पूरा जीरो था, इधर भी पूरा जीरो बनाना पड़ेगा, लो भाई मैंने इधर भी पूरा जीरो बना दिया, कैसे, तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करके अपन ने इसको जीरो बना दिया, सबको समझ में आया। अब दूसरा पार्ट बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, दूसरे पार्ट में अपन को गिवन है NH3 है और NH3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, KNO3। अभी सेंट्रल एटम जो था वो तो बैलेंस है, एक नाइट्रोजन इधर एक नाइट्रोजन इधर, अब क्या, इसमें तो पोटेशियम भी अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम, तो भाई एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पहले बैलेंस करने थे ना, तो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस था, बट अपन को पता है अदर देन वो बैलेंसिंग क्या करता हूं मैं, जैसे अभी अपन ने लिखा था ना C2O4 2 नेगेटिव था, तो बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम, इधर 2 था तो अपन ने 2 बनाया था ना बैलेंस करने के लिए, यहां पर ऑलरेडी मोलर कोफिशिएंट वन है, अब अपन क्या करें, अब पोटेशियम बैलेंस करना है, तो अपन कहेंगे अच्छा पोटेशियम बैलेंस करना है, चलो KOH भी लिखते हैं, तो अपन कहेंगे गलत भाई, राइट हैंड साइड में
वही मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं जो रिएक्शन के राइट हैंड साइड में बने। लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंसिंग के लिए वही मॉलिक्यूल आ सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में बने, इसलिए अपन पोटेशियम नहीं लिख सकते, KOH नहीं लिख सकते, ये तो राइट हैंड साइड वाला मॉलिक्यूल है। अगर उस तरफ पोटेशियम को बैलेंस करना होता राइट हैंड साइड में तो आप KOH यूज कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे फिर तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो पोटेशियम किस में, तो अपन कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो KMnO4 में है, हाँ तो उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको KMnO4 लिखना ही पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई KMnO4 लिख दिया, अब क्या करूं, तो अपन कहेंगे लेकिन KMnO4 लिखने से तो Mn भी आ जाएगा, तो उसको भी बैलेंस करो। अच्छा इधर नाइट्रोजन बैलेंस कर रहे थे KNO3 से, क्योंकि नाइट्रोजन दोनों में सेंट्रल एटम था, अब नाइट्रोजन बैलेंस था लेकिन पोटेशियम नहीं था तो इसको लेना पड़ा क्योंकि यही LHS में गिवन था मॉलिक्यूल में, अब ये गिवन था तो इसके साथ तो Mn भी आ गया, तो राइट हैंड साइड में Mn को भी बैलेंस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्या गिवन Mn लिखो, ये लो Mn। लेकिन अब सारे एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गए, अब क्या, अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, इधर कितने 4, इधर कितने 5, तो क्या करें, तो ऐड करो भाई, इधर 5 है इधर 4 है तो राइट दैट एक H2 ऐड करो, लो भाई ऐड कर दिया, अब क्या हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन इधर तो मुझे एक भी नहीं दिख रहा, इधर लेकिन मेरे पास 2 हाइड्रोजन यहां पर है और यहां पर कितने 3, कितने हाइड्रोजन ज्यादा है, तो अपन कहेंगे ज्यादा क्या, इसी तरफ हाइड्रोजन है 5, इधर तो कुछ भी नहीं है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं 5H+ ऐड कर दो, लो भाई हाइड्रोजन बैलेंस, तो अब चार्ज बैलेंस करो, उधर तो पूरा जीरो दिख रहा है तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इधर भी जीरो हो गया, ये दोनों न्यूट्रल हो गए, ये दोनों पहले से इन पे चार्ज जीरो था, ये दोनों न्यूट्रल हो गए तो हो गए चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस हो गया बाय इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज बैलेंस करने के लिए हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए ना दोनों में, और इसको 3 से, दोनों ही ऑड नंबर है, दोनों ही किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, यही इनका सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक, तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, कर देता हूं, ये लो ऐड किया मैंने, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे और 3 5 15 और 3 5 15 ये भी कैंसिल हो गए, बाकी ऐड कर लो, तो अपन ऐड कर देते हैं भाई KMnO4, इधर से 5 KMnO4 आएगा और इधर से 3 KMnO4 आएगा, टोटल 8 KMnO4 होगा, अमोनिया उधर तो है नहीं, इधर ही है प्लस 3 NH2, इस तरफ वाटर भी है, कितना प्लस 3 H2, इधर KNO3 कितना था 3 KNO3, MnO2 कितना है 5 यहां से और 3 यहां से, और क्या बचा हुआ है KOH, KOH कितना होगा 5 यहां से, यहीं पे था KOH के पास, और वाटर 5H2, वाटर तो दोनों तरफ लिखा है आपने तो कैंसिल कर दो, यहां 3 वाटर मॉलिक्यूल है यहां 5 है तो इसको 2 कर देता हूं, ये लो मेरा आंसर रिएक्शन बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस। अब आप बैलेंस करोगे, ये क्वेश्चन देता हूं है ना, तो अपन बैलेंस करते हैं, चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप बैलेंस करते हैं।
ये है मेरे पास, मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया है, तो आपको पता नहीं वो क्या करेगा। आप बैलेंस करके दिखाओगे इस रिएक्शन को, आपको पता है वो पूरा मेथड लिखा हुआ है।
क्रोमियम वाला तो ऑलरेडी मैंने आपको बैलेंस करके दिखा रखा है, आपको सिर्फ एक ही बैलेंस करना था, तो उसको बैलेंस करके तो बता देते हैं। लिखूं मैं ये वाला C2H5OH, एक बार अपन इसको इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड से बैलेंस कर देंगे। पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, तो इधर दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन एटम है, बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा तो इधर भी एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है, वो भी बैलेंस है। इधर सिक्स हाइड्रोजन एटम्स हैं और इधर फोर हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। इधर चार्ज जीरो है, इधर जीरो है, लेकिन इसकी वजह से राइट हैंड साइड में प्लस टू है। तो अगर LHS में जीरो चार्ज है तो RHS में भी आपको जीरो करना पड़ेगा, राइट? अब मैं क्रोमियम वाले को बैलेंस करके दिखाऊंगा। वैसे मैंने इसको बैलेंस करके दिखाया, Cr2O7 मॉलिक्यूल पे टू नेगेटिव चार्ज है पूरा मॉलिक्यूल। दिस इज अ डाइक्रोमेट आयन, इसको अपन ने क्रोमियम के साथ बैलेंस करना। ऑक्सीजन के अलावा जो क्रोमियम है उसको बैलेंस करो पहले, क्योंकि यहां पर दो क्रोमियम है आपके पास और वहां पर एक ही क्रोमियम है, तो यहां दो क्रोमियम है तो आपको बैलेंस ऐसे करना होगा। अब दोनों तरफ दो दो क्रोमियम बैलेंस कर दिया ना आपने। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो यहां पर कितना ऑक्सीजन है, सेवन, तो अपन सेवन एच टू रखें। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहां पर हाइड्रोजन 7 × 2, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो 7 × 2 14 हाइड्रोजन एटम हो गए। तो इस तरफ कितने हाइड्रोजन एटम ऐड करूं, 40। अब आपके हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गए, अब आपको चार्ज बैलेंस करना है। इस पूरे मॉलिक्यूल पे माइनस टू चार्ज और इस पे एक पे क्रोमियम प्लस थ्री है। अगर एक पे क्रोमियम प्लस थ्री है तो दो पे क्रोमियम प्लस थ्री एक पे है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस सिक्स। इधर प्लस सिक्स चार्ज है, इधर इसकी वजह से प्लस 14 है और इस मॉलिक्यूल की वजह से माइनस टू है। तो फिर यहां पर टोटल चार्ज कितना हो गया, तो अपन कहेंगे दैट विल बी इक्वल टू प्लस। मुझे लगता है चार्ज बैलेंसिंग में किसी को डाउट नहीं, अगर किसी को डाउट है तो वो बताएगा। अगर किसी को डाउट होगा चार्ज बैलेंसिंग में तो वो बताएगा, ठीक है। तो फिर मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन, जो ये मेरे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन ऐड, सिक्स इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये 12 और सिक्स इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सिक्स पॉजिटिव चार्ज बचा, मैंने इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो यहां भी सिक्स पॉजिटिव हो जाएगा और यहां भी सिक्स पॉजिटिव हो जाएगा, अभी ठीक है। तो फिर ये हाफ रिएक्शन की बैलेंस होगा, लास्ट में तुम चार्ज ही बैलेंस करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, सिक्स से, इसको मल्टीप्लाई करना है टू से, ये दोनों ही इवन नंबर है, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए मैं टू से डिवाइड कर देता हूं। बैलेंस कर, ये मेरे पास आया कितना आया, ये अपने पास थ्राइस, ये कितना आया अपने पास 1, तो लिखा हुआ है H plus N कितना आया अपने पास 14, तो इधर 14 था और उधर कितना था 6, इधर 14 है और उधर 6 है, तो मुझे 14 और 6 ना, ये वाले ये 6 हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके, और ये 14 है यहाँ पर क्योंकि वन से मल्टीप्लाई है, तो 6 और 14 अगर अपन चेंज करेंगे तो कितना होगा, तो उधर 6 है इधर 14 है, तो 6 माइनस कर देते। इधर क्या करना होगा अपन को, क्रोमियम कितना है Cr+3, दैट इज 2,
इसका भी मोलर कोफिशिएंट 3, इसका मोलर कोफिशिएंट 2 और बाकी बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल 7। ये लो भाई, वैसे आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कैसे, तो हमारे पास रिएक्शन आ गया। ये 3C2H5OH Cr2O3 1 मोल, ये 8 मोल्स, ये 3 मोल क्रोमियम विल बी 2 मोल्स और 7H2O, दैट इज अवर आंसर। किसी को डाउट है तो बोलो, और अगर डाउट नहीं है तो जैसे मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम लोगों ने आंसर हो सकता है बड़ी जल्दी से कैलकुलेट कर दिया होगा, चलो जल्दी कैलकुलेट करके बता देते हैं। थोड़ा आराम से आपको जो बताया ना उसको आराम से अपन सॉल्व करते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद फिर अपन बेसिक मीडियम वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं एक और देता हूं ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको समझ में आ गया और आपको भी पता चले। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको मतलब इसमें समझ में ना आए, आपको समझ में आ गया। लेकिन अपन एक तो मॉलिक्यूल ले ही लेते हैं, तो मैं क्या करता हूं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, दैट इज HSO4 नेगेटिव रिएक्ट्स विद रीड दैट आर्सेनिक मॉलिक्यूल होता है 4 प्लस Pb3O4, इससे रिएक्ट करवाता हूं और ये कन्वर्ट्स होता है, दैट इज एक तो मैं कन्वर्ट करूंगा PbSO4 में और एक मैं कन्वर्ट करूंगा H2SO4 नेगेटिव। ये मेरे पास मैंने आपको रिएक्शन दिया है और इस रिएक्शन को आप बैलेंस करें। इस रिएक्शन को आप बैलेंस करें, ये फोर है PSO4। कई बार ना 9 से कंफ्यूज हो जाते हैं, 9 से कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कत होगी मुझे। तो मैं अब इस बार चाहूंगा कि आप मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर दें।
हो गया, शुरू करो। चलो देखते हैं, मेरे पास यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर आर्सेनिक है, यहाँ लेड है, यहाँ लेड और सल्फर दोनों ही है, यहाँ सिर्फ आर्सेनिक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको भी इसके साथ ऐसे ले लेना चाहिए, राइट ना? तो बैलेंस हो जाएगा। चलो पहले आर्सेनिक वाले बैलेंस करते हैं। AS4 कन्वर्ट्स इनटू H2ASO4 नेगेटिव, ठीक है? ये नेगेटिव चार्ज को बोलना नहीं है, ये पूरा मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है, वो ध्यान रखना। हम कभी कभी ना वो ऐसे लाइंस होते हैं ना कॉपी के, उस पर ऐसे लिख के भूल जाते हैं कि वहां पर कोई नेगेटिव चार्ज था, तो वो ध्यान देना कि कहां पर नेगेटिव चार्ज है, राइट? अपन क्या करेंगे, पहले आर्सेनिक बैलेंस करते हैं। इधर फोर है, इधर एक है, तो अपन पहले इसको बैलेंस कर दिया, आर्सेनिक बैलेंस। अब किसको बैलेंस करना होता है? ऑक्सीजन को। तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 and 4, 4, 4 16 ऑक्सीजन, ओके। तो मुझे यहाँ पर ना 16H2 ऐड करना पड़ेगा। अभी 16 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दे। इधर 32 हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन, 32 एंड 8 हाइड्रोजन है, तो बहुत डिफरेंस है, कोई बात नहीं, तो मैं इसको 24H+ ऐड कर दूंगा, लो भाई बैलेंस हो। अब क्या करें? चार्ज बैलेंस करो। यहां पर तो जीरो चार्ज है, तो यहां पर 4 into -1 = -1, और यहां पर 24+, तो क्या करो? इन दोनों को ऐड करो, कितना बचा होगा? 20+ बचा होगा, तो 20+ अगर बचा हुआ है तो उसे न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऐड करो। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो विल राइट दैट इधर प्लस 20 का मतलब है मुझे इसको 20 इलेक्ट्रॉन ऐड करने चाहिए। लो भाई इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, आपका हाफ रिएक्शन बैलेंस। किसी को डाउट नहीं? अब अपन चेक करते हैं क्या PB3O4, इसको PbSO4 से ले लेते हैं, तो पहले PB बैलेंस कर लेते हैं। लो भाई बैलेंस हो गया, लेकिन सल्फर नहीं है, तो सल्फर LHS साइड में चाहिए, तो इसमें फंस जाता है। लो भाई ये सल्फर आ गया, HSO4 नेगेटिव, तो अपन कहेंगे लेकिन यहाँ तो तीन सल्फर है, तो यहाँ भी तीन कर देता हूँ, ये लो यहाँ पर तीन सल्फर हो गया। अभी मैंने एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए। अब तो अपन कहेंगे भाई अब क्या, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 into 4 12 12 + 4 कितना हो गया? 3 into 4 12 ना, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है, तो 3 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 12। एक मॉलिक्यूल में 4 है तो 16 हो गया। चलो इधर देखते हैं, इधर 12 है लेकिन इधर 16 है, इधर 16 ऑक्सीजन है, इधर 12 ऑक्सीजन है, तो ठीक है 4 ऑक्सीजन ऐड कर दिया, हो गया ना 4 ऑक्सीजन ऐड, ठीक है। अब तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन कर लेते हैं बैलेंस। यहां पर 3 हाइड्रोजन है और यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 8। कितना हाइड्रोजन कम है इधर? तो अपन कहेंगे भाई इधर ना 3 हाइड्रोजन थे, इधर 8 हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 हाइड्रोजन कम है, तो ऐड करो H+ साइड। लो भाई 5H+ साइड ऐड करते हैं। अब चलो चार्ज की बात करते हैं। इधर जीरो चार्ज, तो इधर भी जीरो बनाओ। अब इधर पहले कैलकुलेट करते हैं फिर चार्ज बनाते हैं, इसकी वजह से तो जीरो है,
इसकी वजह से 3 इंटू माइनस 1 है, सो माइनस 3 हो गया, और इसकी वजह से प्लस 5 हो गया। तो प्लस 5 इंटू माइनस 3, प्लस 5 और माइनस 3, तो मेरे पास प्लस 2 बच गया। मतलब मुझे दो ही पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है। तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें इधर? तो कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो अपन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड। अब मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो कोई बात नहीं, अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, राइट? तो मुझे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, वहां पर आपको विजिबल होगा मेरे ख्याल से, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, मैंने उसको लिखा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो अब इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्शन में तो इक्वल बैलेंस होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। भाई लॉस्ट हुआ था 20, गेन हुआ 2, तो बैलेंस कैसे हुआ? तो अपन कहेंगे करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें थे। तो क्या करें, दोनों इवन नंबर, छोटे लेवल नंबर से डिवाइड करते हैं ताकि सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ जाए। लो भाई अपना आंसर आ गया। चलो इसको वो कर देते हैं, ऐड कर देते हैं रिएक्शन को। चलो रिएक्शन को ऐड कर देते हैं और बैलेंस बता देते हैं कि क्या बैलेंस रिएक्शन है। अब मुझे बस एक ही बात का टेंशन होगा, आपको ये चार्ज कैलकुलेशन में तो कोई डाउट नहीं, इसलिए मैं पूरा कैलकुलेशन प्लस माइनस लिखता हूं, क्योंकि आप कहीं और गलती नहीं करोगे, चार्ज कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे तो आप बिल्कुल भी। इसलिए मैं पूरा प्लस माइनस सारा लिख रहा हूं। कैसे, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पे कितना माइनस चार्ज था, तो चार मॉलिक्यूल पे 4 इंटू माइनस 1, तो टोटल चार्ज माइनस 1, बाकी कोई गलती नहीं करोगे। चलो तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो जाता है, एक बार प्रोटॉन और चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आप मल्टीप्लाई इसलिए करोगे। प्रोटॉन यहाँ पर कितना है 24, क्योंकि 1 इंटू 24, ये 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 का मतलब 50, तो 24 और 50 मतलब 26 बचने वाले हैं सर। तो मैं चाहूँ तो इसको 26 पहले लिख सकता हूँ। चलो बाकी से मतलब अब ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैंने इसको 26 बना दिया। अब मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई करना वो ठीक नहीं रहेगा, चले क्योंकि गड़बड़ ना कर दो। तो मुझे बस ये टेंशन रहता ना कि तुम कहीं गड़बड़ ना कर दो, सब कुछ अच्छा चल रहा है और कहीं गड़बड़ कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, लिख ही लूंगा मैं, तो बाद में कैंसिल करके एक बार और लिख लूंगा। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, आर्सेनिक कितना लिखना है, Asco। आर्सेनिक के बाद अपन क्या लिखे, Pb3O4, 10 Pb। ये कितना लिखना है मुझे, 30। ये वाटर, वाटर कितना है मेरे पास, 16। तो मैं यहां लिख लेता हूं, और H प्लस N कितना है, 50। राइट हैंड साइड वाले लिखता हूं मैं, इसको लिखता हूं तो लिखूंगा ये, और इसको लिख लेता हूं पहले तो 30। फिर वाटर लिख लेता हूं, वाटर कितना हो जाएगा, 40। फिर क्या हो जाएगा, H प्लस N कितना हो जाएगा, 24। अब मैं वाटर और इसको कैंसिल कर लेता हूं, ये 24 कैंसिल, तो मेरे पास 26 H प्लस N बचा, और H2O यहां से कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि यहां पर 16 थे तो पूरा कैंसिल हो गया, 16 माइनस करता हूं तो 24 वाटर मॉलिक्यूल। ये आपका बैलेंस भी है, आप देख लो भाई, अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताएगा कि मुझे डाउट है। सबको समझ में आया, ठीक है भाई, अब मैं इसको हटा, राइट? आपको समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पर काफी सारा पार्ट, ये नंबर्स वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
आप अगर कैलकुलेशन उसे सही कर लेते हो तो ये, क्योंकि अगर ये नंबर नहीं दिखेंगे तो थोड़ा और वैसे दिखेगा ना, अपना रिएक्शन भी थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये होगा ठीक है। तो वो थोड़ा वो नंबर्स भी ना कैलकुलेशन में कैसे पॉजिटिव नेगेटिव अपन लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना अपन को ऐसे दिखता है। अब पता क्या करना है, अब अपन कैलकुलेट करेंगे बेसिक। तो मैं ऐसे लिख के देखिए, बेसिक मीडियम। वैसे बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग अपन तभी करेंगे जब अपन से कहा जाए कि बेसिक मीडियम में करो, अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं लिखा हो हमेशा अतिरिक्त मीडियम में बैलेंस करो। तो क्या किसी भी रिएक्शन को किसी भी मीडियम से बैलेंस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और जितने एग्जाम्पल मैंने अतिरिक्त मीडियम के दिए उन्हीं को बेसिक मीडियम का एग्जाम्पल बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोलर कोफिशिएंट ऑफ द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी चेंज नहीं होता, मीडियम कुछ भी रखो प्रिंसिपल यही रहेगा। बेसिक मीडियम पे क्या करना है अपन को, वी कैन यूज ओ एच माइनस एन, हाँ ये तो बेस होता है, एंड एच टू टू बैलेंस द रिएक्शन। ओके, तो इसका मतलब ये था कि एसिडिक मीडियम में मुझे ओ एच यूज नहीं करना था क्योंकि एच प्लस आइन आपने एसिडिक मीडियम में बताया था, इसलिए आप बेसिक मीडियम में ओ एच नेगेटिव आइन बता रहे हैं, दैट्स द डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो बैलेंसिंग कैसे करें, चलो देखते हैं। मेरे पास कोई रिएक्शन ले लेता है और उसमें बैलेंस करता है बेसिक मीडियम। अपन ने कहा मेरे पास ऐसे के NO4 NH3 KNO3 MnO2 KOH और H2। तो अपन कहेंगे अभी तो आपने बताया था इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके, अब बेसिक में बता रहे हो वही रिएक्शन। हाँ तो अभी मैंने बोला ना आपको कि आप किसी भी रिएक्शन को किसी भी मीडियम से बैलेंस कर सकते, आप इसको एसिडिक से बैलेंस किए थे, मैं बेसिक से बैलेंस कर लेता हूं। पर इनका मोलर कोफिशिएंट चेंज नहीं होता, आप मीडियम कोई भी लो चेंज क्या क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का नंबर चेंज हो सकता है बस, लेकिन इनके जो मोलर कोफिशिएंट्स होंगे ना वो किसी मीडियम से भी बैलेंस करो आप कोई चेंज नहीं होने वाला। इसलिए मैंने आपसे कहा था आप एसिडिक मीडियम हो गया अपना फिक्स हो गया कि जैसे ही आएगा कोई रिएक्शन आपने मीडियम नहीं लिखा, सिर्फ बैलेंसिंग करनी है एसिडिक मीडियम से कर दो। चलो देखते हैं, तो आपने बताया था मुझे पहले आपको क्या करना होगा, रिएक्शन को दो हाफ में डिवाइड करना होता है तो पहले एक हाफ को बैलेंस करते हैं। मैंने KMnO4 ले लिया, इससे मैं MnO2 जो सेंट्रल एटम था वो ले लिया मैंने। अब Mn इज बैलेंस लेकिन पोटेशियम इधर है तो मुझे पोटेशियम उधर लेना पड़ेगा। मेरे पास दो मॉलिक्यूल में पोटेशियम है लेकिन अपन कौन सा चूज करेंगे जिसमें मिनिमम बैलेंसिंग होगी, तो KOH चूज करना। अपन ने KOH लिया, अब क्या करें, तो अब अपन कहेंगे भाई ऑक्सीजन बैलेंस करो, एटम्स फर्स्ट बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एटम, देन बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय बाय व्हाट H2O मॉलिक्यूल, तो बैलेंस कर लेता हूं। अब अपन क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं कि कितने ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है 4, इधर कितना ऑक्सीजन है 3, लो बाय बैलेंस हो गया। अपने ये कर दिया, अपने ये कर दिया। अब क्या करें, आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, यही तो करना होता है ना, फर्स्ट बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कर दिया। बैलेंस द ऑक्सीजन बाय वाटर मॉलिक्यूल, कर दिया। नाउ बैलेंस द एच प्लस आयन, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एच प्लस आइन, नहीं वो तो एसिड है, तो फिर क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन को ना अब इसकी जगह इसको हटाओ और ये लिखो,
व्हाट इज सो बेसिक मीडियम में h प्लस n कैसे डाल सकते हैं, h प्लस n तो एसिड होता है, ठीक है, लेकिन h प्लस n में तो ऑक्सीजन भी आएगा, तो फिर और ऑक्सीजन तो मैं बैलेंस कर चुका हूं, मेरे पास सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो फिर क्या करें? अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन कैलकुलेट करो किस तरफ जा रहा है, यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर तीन हाइड्रोजन एक्सेस में है, तो फिर इन हाइड्रोजन को तो वाटर में कन्वर्ट कर दो, वाटर में कैसे कन्वर्ट कर दो? तो आप कहेंगे कि भाई देखो तीन हाइड्रोजन है ना आपके पास, तीन ओएच और डाल, तो तीन हाइड्रोजन और तीन ओएच क्या हो जाएंगे, तीन एच टू बन जाएगा, ये लो ऐसे बैलेंस कर दो। अच्छा तो इसका मतलब है जिस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है उसी तरफ ओएच डालते हैं, और दूसरी तरफ जितने आपने ओएच डाले हैं उतने ही दूसरी तरफ वाटर मॉलिक्यूल बना दो, तीन हाइड्रोजन एक्सेस में थे तो फिर ने ओएच ऑन सेम साइड where hydrogen is in excess, और water on the other side, ठीक तो balance हो जाएगा, okay मान लिया balance हो जाएगा, तो इसमें क्या करें, इसमें तीन hydrogen थे तो मैं तीन OH डाल दूं यहां पर, हाँ भाई three OH माइनस, अब OH लिखोगे तो माइनस साइन होगा बेस, तो ये तीन हाइड्रोजन एटम और तीन OH माइनस आयन मिलके क्या बना देंगे, 3H2 बना देंगे। लो भाई अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई H2O तो इधर भी है और H2O तो इधर भी है, तो कोई बात नहीं ना कैंसिल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में कैंसिल हो जाते हैं ना दोनों तरफ अगर H2 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां कैंसिल करना चाहो यहीं कैंसिल कर दो, लेकिन मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब चार्ज बैलेंस करो, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है बस, ये पूरा न्यूट्रल है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर पूरा न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं, क्या करें, अगर यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, तो फिर अगर इस तरफ -3 चार्ज है और चार्ज बैलेंस करने के लिए मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां ऐड करो जहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, मैं यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, लो भाई आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, यहां पर एक ही डिफरेंस था, वो क्या था कि हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप H प्लस N यूज नहीं कर सकते, आपको क्या यूज करना पड़ेगा OH, मतलब बेसिक मीडियम में सिर्फ इस पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी अपन ने चार्ज वैसे ही बैलेंस किए और क्रॉस मल्टीप्लाई अपन वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, डिफरेंस सिर्फ ऑक्सीजन का और डिफरेंस सिर्फ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितना, जिस तरफ हाइड्रोजन एक्सेस में है उसी तरफ OH डाल दो ताकि उस हाइड्रोजन को वाटर बना दो, तो अपन क्या करेंगे OH ऐड करके वाटर बना दिया, चार्ज तो अपन बाद में बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है मान लिया, अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ, तो अपन कहेंगे देखो मेरे पास NH3 और इसको ना KNO3 लिखने वाला हूं, नाइट्रोजन बैलेंस है पोटेशियम बैलेंस करना, लो भाई कर, पोटेशियम बैलेंस किया तो Mn आ गया, तो Mn बैलेंस करो, Mn भी बैलेंस हो गया ना Mn बैलेंस, अब क्या अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बैलेंस है, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो इधर कितने ऑक्सीजन है और इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर 5 है और इधर 4 है, तो वाटर लिख देते हैं, लो भाई ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो,
अब अगर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन बैलेंस करो, इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा मुझे, तो इस तरफ कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एटम इधर है, तीन हाइड्रोजन एटम इधर है, टोटल कितने हाइड्रोजन एटम है, फाइव। तो इन हाइड्रोजन एटम को वाटर में कन्वर्ट कर दो, कैसे कन्वर्ट करते हैं, OH ऐड करके। तो कितने OH ऐड करूं, जितने हाइड्रोजन एटम एक्सेस में, ये हाइड्रोजन एटम एक्सेस में कितना है, ये, तो फिर मैं यहां पर 5 OH ऐड करूंगा। अगर आप 5 OH ऐड करोगे तो मैं यहां पर 5H2 ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो 5H 5OH के साथ मिलके क्या बना देंगे, 5 वाटर बनाएंगे। तो मैंने 5 वाटर बनाएंगे, ये लो भाई आपका रिएक्शन बैलेंस, आपको सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है। इधर 5 नेगेटिव है, बाकी सब जीरो है, इधर कुछ भी नहीं था तो 5 नेगेटिव बना, ये लो बना। अब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द प्रोसेस, ये लो भाई। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर बैलेंस रिएक्शन। क्या मिल जाएगा अपन को, बैलेंस रिएक्शन। चलो देखते हैं और उस रिएक्शन को चेक करेंगे जिसमें अपन ने लिखा था। इलेक्ट्रॉन तो आप कैंसिल कर ही दिए, उसी के लिए आपने ये बैलेंसिंग किया। एक बार OH चेक कर लेते हैं, शायद कैंसिल हो जाए। 5 3 15 और 3 5 15, मतलब OH डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं क्योंकि बाकी जगह OH नहीं है ना। अब अपन चेक कर लेते हैं क्या करना है। 5 KNO4 यहां से आएगा, 3 KNO4 यहां से आएगा, तो मुझे 8 KNO4। अमोनिया इस रिएक्शन में नहीं था, सिर्फ इसमें था, तो 3NH3। KNO3 इसमें था, वहां नहीं था, इसलिए मैं 3 KNO3। MnO2 5 यहां से होगा, 3 यहां से होगा, तो 8 MnO2 लिखूंगा। KOH 5 यहां से आएगा, तो मैं 5H KOH लिखूंगा। अब मैं दोनों तरफ वाटर भी लिखूंगा। यहां से 3 5 15 वाटर मॉलिक्यूल है, और यहां पर 3, मतलब 15 प्लस 3 कितना होगा, 18H। अब उधर भी वाटर मॉलिक्यूल लिखता हूं, तो इधर 5 वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पर 15 वाटर मॉलिक्यूल, तो 5 और 15 कितना होगा, 20 वाटर मॉलिक्यूल। चलो भाई कैंसिल करते हैं, गम कहां पर है, यहां पर, ये पूरा कैंसिल हो गया। यहां पर 18 तो वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल कर दो, दोनों तरफ 18 18, बचा कितना, 2। ये लो आपका बैलेंस रिएक्शन। पहले भी अपन ने ये बैलेंस किया एसिडिक मीडियम में, आप मोलर कोएफिशिएंट चेक कर सकते हो, बिल्कुल सेम आए हो, मोलर कोएफिशिएंट कभी चेंज नहीं होता, सारा मेथड वही है, सिर्फ एक ही जगह डिफरेंस है, ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, जितने उतने ही OH डाल दो, उतना ही डिफरेंस सिर्फ आता है हाइड्रोजन के बैलेंस में, बाकी सेम पार्ट। समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं ना, तो अपन दूसरा क्वेश्चन एक ले सकते हैं, राइट। या आपके पास मतलब मेथड है और अपन यहीं रुक जाते हैं आज, और नेक्स्ट कल अपना फिर क्लास है। तो अपना बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो सेक्शन एफ में गिवन है, सेक्शन एफ आप कंप्लीट कर, कल मॉर्निंग तक आप अपना बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एक बार कैलकुलेट करके देखो। मैं आपको कल फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे बना के, अगर बैलेंसिंग हो जाएगा तो फिर अपन कॉन्सेंट्रेशन टॉक शुरू करेंगे। बेसिक मीडियम में मैंने आपको बताया सिर्फ ऑक्सीजन के बैलेंसिंग में डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। फिर मैं एक रिएक्शन आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा, ऑक्सीजन इसी का बैलेंस कर दूंगा, बेसिक मीडियम वाला, कि स्कूल में कितना पार्ट अपन को लिखना होता है, क्योंकि स्कूल में तुमको वर्बली जो बोल रहा हूं मैं वो लिखना भी होता है स्कूल। तो मैं कल फिर सुबह पहले आपको एक स्कूल वाला मेथड भी बता दूंगा कि वर्बली जितना भी मैंने बोला वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसको ही अपन को डिटेल में बताना होता है स्कूल के।
तो एक बार मैं स्कूल में कैसे लिख देना वो बता दो। चलो फिर आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन एक स्कूल वाला मेथड और आपके जो भी बैलेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट सेक्शन के डाउट्स होंगे वो आप मुझे बता देना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट्स बता दूंगा। हार्ड कॉपी वाले नोट्स में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, एफ में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अच्छा आप मुझे एक बार भेज देना उसमें, आप ना एक बार क्लिक करके ना मुझे नोट्स भेजना, उसमें एफ सेक्शन में क्या है एक बार मुझे बता देना उसमें, तो अपन चेक कर लेंगे। लेकिन स्कूल के लिए तो अपन को 100% चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? तो मैं चेक कर लूंगा और हार्ड कॉपी में अभी चेक भी कर। तो ये अपना होमवर्क है और कल सुबह देखते हैं क्या करना, ठीक है? और आपका स्कूल का जो बुक है ना, मैंने आपसे कहा था ना कि गाइड आप परचेज कर लेना, तो स्कूल वाले बुक में भी बैलेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्शन दे देना। तो पहले मैं एक बार क्लास में पढ़ा दूंगा क्योंकि इसमें काफी लेंथी मेथड होता है, वो वर्बली जो होता है, तो पहले मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आप उसे पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। बट अभी आप सेक्शन एफ मेरे ख्याल से जो मैंने आपको ऑनलाइन दिया हुआ है उसमें तो आप सॉल्व करो, उसमें तो है ऑनलाइन वाले पार्ट में तो है ना बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स सेक्शन, बिल्कुल है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। और जो आपके पास शीट होगा तो मैक्सिमम मैं चेक कर लेता हूँ उस शीट में क्या गिवन है, एक सेकेंड लगेगा मुझे। मेरे पास जो शीट है आपके पास जो है मैं देख लेता हूँ उसमें क्या गिवन है। शीट के बना आपको कोई दूसरा शीट तो नहीं गिवन है? शीट तो वही है, देखो शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे बता देना है सेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं देख जी सेक्शन में बैलेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट सेक्शन, हाँ तो उसको सॉल्व कर लेगा कोई प्रॉब्लम। जी सेक्शन में बैलेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट सेक्शन है, पर बैलेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट सेक्शन सॉल्व कर रहा है आपको बता रहा है वो जी सेक्शन में, तो अपन उसमें सॉल्व कर लेंगे कोई प्रॉब्लम। अब जी सेक्शन से सॉल्व कर ठीक है। तो जी सेक्शन में है ना, तो जी से सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी सेक्शन में है तो अपन जी सेक्शन सॉल्व करो, तो आप एफ और जी दोनों कर लो। अच्छा तुमने मुझे पिक भेजा है, चेक कर लेता हूँ कैसे मैंने चेक कर, नहीं वो देख लिया मैंने अपने उसमें नहीं है। आप क्या करो ना सेक्शन एफ मैंने देखा हुआ है उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, अभी देख लिया मैंने। तो आप क्या करो ना उसमें आप F और G दोनों ही सेक्शन करो। F तो वैसे भी अपन ने डिस्कस कर दिया कंप्लीट ही है लास्ट टाइम दिया था, आप G सेक्शन और सॉल्व करो, ठीक है? कल सुबह फिर अपन डिस्कस करते हैं, और जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन का बैलेंसिंग बताया बस उसको यूज करो और आप बैलेंस कर लो, बाकी आपको चार्ज वगैरह सब बैलेंस करना आता है। चलो फिर सुबह मिलते हैं कल सुबह। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Okay. Bye, everybody.